हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सभी को बेटा? वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की यूनिट पता है कौन सी हम करने वाले हैं इस समय बेटा? ये जो हमारा 12 बजे का सेशन होता है, यूनिट वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, जो बच्चे नए हो जान लें। और अभी तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं 7 यूनिट, 3 यूनिट बची हुई हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। 7 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले करीब 7-8 दिन में, है ना। एक दिन बीच में गैप भी हुआ था, तो चलिए जल्दी से आइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मैं इनवाइट भी कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि तुम लोग बताते हो कि सब पहले बता दिया करिए, जगाना भी पड़ता है तुम लोगों को। चलिए, मैसेज ग्रुप में भी कर दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, आप सब बताओ कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? हाँ डोडू बेटा ठीक है, आज उनके कुछ टेस्ट होने थे डोडू के, है ना। तो अभी ब्लड सैंपल सुबह दिया गया है ना, फिर रिपोर्ट आ जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन ही लग रहा है कि। अच्छा मैसेज आ गया, कुणाल कह रहे हैं। अच्छा टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं आ रहा बेटा, मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं, ये जो हमारा प्रीमियम स्टार्ट होने वाला ना, इसको थोड़ा सा मैनेज कर रहा था, है ना, इसीलिए। आर्यन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। और हाँ, आर्यन ने मैसेज पूछा था कि प्रीमियम वाले क्लासेस कब से मिलेंगे। बेटा आज से मिलेंगी, ठीक है। अनिल यादव बेटा, प्रीमियम वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी आपको, अगर आप ज्वाइन करते तो कम्युनिटी में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। वो आपको कम्युनिटी में स्पेशल टाइप से दिखाई देंगी वीडियोस, और कम्युनिटी में जो आपके लिए स्पेशल प्रीमियम पोस्ट होंगे वो भी दिखाई देंगे, ओके। मुस्ताक करें, कल आपने मोटिवेट कर दिया, 5 बजे नींद आई। अरे मैं भी अभी सो के जगा हूं, 11:10 पे मैं सो के खुद जगा हूं, है ना। रात में करीब रिकॉर्डिंग ही मैंने की है, 2:30 बजे तक तो मैंने रिकॉर्ड ही किया है जो आज प्रीमियम देना था। अभी वो एडिट हो रहा है, थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको, है ना। मुझे उम्मीद है कि क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको मिल जाएगा। नीलम बेटा, नीट बूस्टर या यूट्यूब पे? देखिए नीट बूस्टर पे थोड़ा सा कम पैसा आपको देना पड़ेगा, यूट्यूब पे हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए पीसीबी आप लेते हैं तो पीसीबी में यूट्यूब पे हर मंथ आपको पे करना है ना। अगर आप पीसीबी तीनों लेते हैं तो आपको 11.99 पर मंथ पे करना है ना। ये पर मंथ होगा, हर महीने आपको देना होगा। लेकिन अगर आप neetbooster.com पे पीसीबी लेते हैं तो एक बार केवल आपको 2,000 रुपये देने होंगे, एक बार, वन टाइम, है ना। और इसमें फिर आपको, जब तक आपका NEET 2020 नहीं होगा तब तक आपको वीडियोस डेली मिलती रहेंगी, है ना, डेली बेसिस पर। पीडीएफ भी मिलेगी बेटा, है ना। अच्छा डीपीपी नहीं मिला है बेटा, मिल जाएगा। जो डीपीपी हमारे बनाते हैं उनका नाम है आलम, मोहम्मद आलम, है ना। ये डीपीपी और वर्कबुक का काम करते हैं, इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है आज, है ना, इसलिए आपको नहीं मिल पाया, लेकिन मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है। टीम में हमारे 3 लोग ऐसे जो टाइपिंग का और ये टाइप सेटिंग का काम करते हैं, पीडीएफ पीपीटी, शैलेंद्र है ना, अर्पित है, और ये आलम है, आलम इनके बॉस हैं। हाँ डीपीपी बेटा मिल जाएगी। मोहम्मद सहजाद बेटा, नीट बूस्टर पे लाइव लेक्चर नहीं होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे बेटा इसमें प्रीमियम में, ठीक है।
हाँ नीट जो डीपीपी है उसमें आंसर हो सकते हैं बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि आंसर में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, जो भी डाउट आपको हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यूनिट पता है कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं? दैट इज बायोटेक, है ना। आज की यूनिट हमारी बायोटेक है बेटा, और ये यूनिट नंबर 8 है ना, यूनिट नंबर 8 है जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से यूनिट नंबर 9 है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग करें यूनिट नंबर 8 है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। अंशुल बेटा कोचिंग खुलने का तो जो प्रोसीजर हो तो गवर्नमेंट ही बताए कि किस तरीके से कोचिंग ओपन करनी है ना, इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता आपको अभी। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, बाकी बातें भी करते रहेंगे साथ साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अनिल कह रहे प्रीमियम वीडियोस की प्लेलिस्ट बनेगी, बिल्कुल बेटा बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट बनाने में क्या है। लेवा करी सर एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे इंस्टीट्यूट में? बेटा एडमिशन अब पहले इंस्टीट्यूट ओपन हो, है ना, पहले गवर्नमेंट बताए कि कब ओपन करना है स्कूल कॉलेज, है ना, कोचिंग, तो उसके बाद ही तो हो पाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ध्यान दीजिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज पास्ड इन ई कोलाई, द लेटर आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पीसिलिन। करे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और उसको ई कोलाई में डाल दिया गया। अब ई कोलाई को बेटा अगार प्लेट पे डाला गया जिसमें एम्पीसिलिन पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन बेटा, प्रीमियम लेक्चर अभी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड मैंने किया बायो में, है ना। अनुराग सर का ऑर्गेनिक का एक लेक्चर आपको मिलेगा और एक फिजिक्स का एक लेक्चर आपको मिलेगा आज। बाकी और भी चीज देख रहे हैं, अमृता मैम अगर 2020 सीरीज कर रही तो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रीमियम पे आपको, है ना। और भी कई चीजें हैं मेरे दिमाग में, पॉडकास्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा देखिए, अब इस कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल है वो ग्रो करेंगी और अनट्रांसफॉर्म्ड सेल की डेथ हो जाएगी, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट एक्सटेंसिवली, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट एक्सटेंसिवली सबसे ज्यादा जिस बैक्टीरिया का यूज किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस बैक्टीरिया का यूज सबसे ज्यादा किया गया, ये आपसे पूछा गया है। द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरिया, बताइए मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरिया कौन सा बेटा? दैट इज एस्चर्चिया कोलाई। आप देखिए कि ह्यूमन इंसुलिन को भी एस्चर्चिया कोलाई में बनाया गया, है ना। पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको बनाने के बाद ई कोलाई में ही ट्रांसफर किया गया था, तो ई कोलाई का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बीटी टॉक्सिन इज, बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन नहीं संदीप वर्मा बेटा, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम ओवरलैप नहीं होगा, टाइमिंग अलग अलग ही रखेंगे, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और अपलोड हो जाएगा तो कभी भी आप देख सकते हो ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइव के साथ अपलोड नहीं करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो बीटी टॉक्सिन बेटा एक प्रोटीन है जो इंसेक्टिसाइडल होती है, बीटी टॉक्सिन इज एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, कीड़ों को मारने वाली है ना। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ध्यान दीजिए पहला जीएम प्लांट कॉमर्शियली रिलीज इन इंडिया, पहला जीएम प्लांट जिसे कॉमर्शियली इंडिया में रिलीज किया गया उसका नाम आपको बताना है। स्लो राइपनिंग टोमेटो, बीटी बेंजल, गोल्डन राइस या बीटी कॉटन, चलिए जल्दी से बताइए। पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ये तो बहुत आसान बेटा, दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पहला जीएम प्लांट था जिसे कॉमर्शियली रिलीज किया गया था। चलिए तो बहुत आसान है। जी ए ए टी टी सी इज रिकॉग्निशन साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है? जी ए ए टी टी सी
दैट इज इको आर वन। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाइए बेटा थोड़ी सी। ट्रांसजेनिक हिरुडिन, एनटीए के मॉक टेस्ट में भी ये सवाल था बेटा, मैंने कराया था। ट्रांसजेनिक हिरुडिन, हिरुडिन एक एंटी कोएगुलेंट है, एक एंटी कोएगुलेंट है जो खून को जमने से रोकता है। तो ट्रांसजेनिक एंटी कोएगुलेंट को किसमें प्रोड्यूस किया गया था बेटा? ब्रेसिका नेपस, जिसे आप सलजम के नाम से जानते हैं, है ना। सलजम के अंदर, जैसे ई कोलाई के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस कराया गया, वैसे सलजम के अंदर एंटी कोएगुलेंट हिरुडिन को प्रोड्यूस कराया गया। गोल्डन राइस इज रिच इन, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है ना। गोल्डन राइस इज रिच इन, अब ये क्वेश्चन लगभग नीट में हर साल पूछा जाता है। तो गोल्डन राइस रिच है किसमें? विटामिन ए एनरिच्ड होता है बेटा गोल्डन राइस की, अगर हम बात करते हैं, है ना। चलिए, बायोलिस्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन, बायोलिस्टिक टेक्निक को और क्या कहते हैं? जीन गन मेथड भी कहा जाता है। बायोलिस्टिक को जीन गन मेथड भी कहा जाता है बेटा। और इसका यूज किस काम में किया जाता है? बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज किस काम में किया जाता है? दैट इज जीन ट्रांसफर प्रोसेस, जीन को ट्रांसफर करने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, लाइक करते रहें। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अभी तो 100 बच्चों ने लाइक किया है, 200 से ज्यादा बच्चे यहां पर हैं और 100 बच्चों ने केवल लाइक किया है अभी तक। द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टिकी ड्यू टू, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो स्टिकी एंड बनते हैं। तो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन क्यों होता है बेटा? स्टिकी एंड इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड बेसेस होते हैं, जैसे AATT, है ना। ये यहां पर स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग करता है। विच इज ऑप्टेंड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से किससे ऑप्टेन किया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या ग्लूकोज को ऑप्टेन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से? नहीं। हीमोग्लोबिन को? नहीं। गोल्डन राइस को? यस बिल्कुल, गोल्डन राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनाया गया है। cDNA क्या है? cDNA स्मॉल सी लिखा हुआ है और फिर डीएनए लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए स्मॉल सी हमें क्या बताता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऐसा डीएनए जो आरएनए से बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, उसे cDNA कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। बताइए बेटा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है दिस कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ये विशेष बेस सीक्वेंस पे जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं वहां पर कट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंसेक्ट टॉलरेंट जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेंसिस इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग टीआई प्लाज्मिडॉफ। बैसिलस बीटी के जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं टीआई प्लाज्मिड का यूज करके। आपसे पूछा गया टीआई प्लाज्मिड को किससे ऑप्टेन करते हैं बेटा? तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, टीडीएनए पाया जाता है। दिस इज नॉट ए जीएमओ, जीएमओ क्या होता है बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपसे पूछा गया बेटा। तो गोल्डन राइस तो आप जानते हैं, बीटी ब्रिंजल भी आप जानते हो, ट्रेसी आप नहीं जानते तो आप जान लीजिएगा। अब डॉली की बेटा बात करें तो डॉली कोई जीएमओ नहीं, ये क्लोन का एग्जाम्पल है। इयान विल्मट और कैंपवेल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डॉली क्लोन को बनाया गया था, और ये क्लोन है किसका? सीप का, ये सीप का क्लोन है बेटा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए बेटा। तो इसका मतलब गोल्डन राइस, ट्रेसी और बीटी ब्रिंजल क्या है? ये जीएमओ के एग्जाम्पल है, लेकिन जो डॉली है वो जीएमओ का एग्जाम्पल नहीं है। ह्यूमन प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिल्क और सीमेन ऑफ फार्म एनिमल, बताइए क्या ह्यूमन प्रोटीन को हम जो जानवर होते हैं उनके मिल्क या सीमेन के अंदर प्रोड्यूस करा सकते हैं? बिल्कुल, हमने कराया है। आप देखिए रोजी एक काउ है और ये फार्म एनिमल है, इसको हम पालते हैं,
और रोजी काउ के अंदर हमने ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस कराया है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये काम हमने किया है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन इजिली बी कट अबाउट बाई द मिडिल बाई सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर जो आपको पैलिंड्रोम दिया गया, आप दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली कि डी ऑप्शन में जी ए ए टी टी सी और जी ए ए टी टी सी। पैलिंड्रोम उसे कहते हैं जो दोनों ही स्ट्रैंड पर सेम ओरिएंटेशन में पढ़ने पर सेम सीक्वेंस प्रोवाइड करे। तो अगर 5 से 3 में आप पढ़ते हैं तो जी ए ए टी टी सी दोनों ही स्ट्रैंड पे आपको मिलेगा, इसलिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इको आर वन के लिए। द एंजाइम कैपेबल ऑफ कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, जो एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है दैट इज नेम्ड एज, स्पेसिफिक साइट पर कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पूरा आपका जो बायोटेक है ना ये रिवाइज हो जाएगा, इसमें पूरा बायोटेक क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। अब ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बॉलवर्म अटैक, इसमें थोड़ा सा अगर आप सावधानी नहीं दोगे ना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ बॉलवर्म अटैक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अभी देखिएगा आंसर किस तरीके से बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ बच्चे तो आंसर करें बैसिलस थुरिंजेंसिस पर बॉलवर्म अटैक करेगा। क्यों करेगा बेटा? बॉलवर्म कॉटन पे अटैक करता है ना, बीटी कॉटन तो रेजिस्टेंट है ना बॉलवर्म से, इंसेक्ट से, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। बॉलवर्म कॉटन पे अटैक करता है लेकिन बीटी कॉटन पर अटैक नहीं करता है। ये देखिए ये बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन आपको याद करना। आइसोलेशन ऑफ बीटी जीन, क्राई जीन जिसे आप कहते हैं नहीं, फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजियंसिस वॉज अंडरटेकन इन द ईयर। क्राइजिन को बैक्टीरिया से कब आइसोलेट किया गया, ईयर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ईयर आपको बताना है, जल्दी से करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए स्पीड बढ़ाइए बेटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। 19 का आंसर हो जाएगा 1980, 1980 में। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है बेटा? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन नीट में पूछा जाता है आपसे, इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बताइए। व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन? क्वेश्चन नंबर 20। इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ट्रांजियंट थोड़े समय के लिए सेल मेम्ब्रेन में पोर बन जाते हैं और इसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विच एंजाइम इज यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम यूजफुल है? दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए इसको पढ़िए। बैसिलस थुरिंजियंसिस फॉर्म प्रोटीन विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, दिस प्रोटीन। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन के बारे में आपसे पूछा गया बेटा, बायोटेक यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट, दो ही चैप्टर हैं और इन चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी यूनिट है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक लगती कई बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है दैट बाइंड विद द एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर, तो का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा आप सी क्यों कर रहे हो? इट इज एक्टिवेटेड बाय एसिड पीएच, बेटा एल्केलाइन पीएच पर है ना, और 4 गट दिया गया इसलिए। बी ऑप्शन में इट इज कोडेड बाय सेवरल जीन, सेवरल जीन नहीं बेटा एक जीन, क्राई जीन से कोडेड होती है ना। नाजिया कह रही कि ये मेरी बेस्ट यूनिट है। इजी है, इजी क्यों है बताओ? साइनोजेन ब्रोमाइड, साइनोजेन ब्रोमाइड इज यूज्ड इन, साइनोजेन ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अच्छा प्रीति कह रही क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सब जो इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं है ना, और इतना अप्रिसिएट करते हैं, इसी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। चलिए
चलिए तो बताइए, साइनोजन ब्रोमाइड का यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन क्या है? ह्यूमन इंसुलिन, जो ई कोलाई में ह्यूमन इंसुलिन बनाई गई थी उसी को ह्यूमिलिन कहते हैं बेटा, और इसको बनाने में साइनोजन ब्रोमाइड नाम का केमिकल यूज किया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और क्या कहते हैं बताइए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो नेम्ड एज मॉलिकुलर सीजर। सीजर बेटा कैची को कहा जाता है ना, जैसे कैची से हम कपड़े को, कागज को काट सकते हैं, वैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक कैची की तरह डीएनए को कट करने का काम करता है। केमिकल नाइफ्स और मॉलिकुलर सीजर ऑफ डीएनए। फिर आ गया, अब देखिए अभी सीजर आपने पढ़ा था, अब ये नाइफ्स मतलब चाकू है ना, नाइफ ये प्लूरल फॉर्म है नाइफ्स, तो अब ये चाकू की तरह भी काम करता है, जैसे चाकू कट करता है वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कट करने का काम करता है, तो मॉलिकुलर सीजर भी कहते हैं और केमिकल नाइफ भी कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ 6 किलो डाल्टन कंसिस्टिंग ऑफ 51 अमीनो एसिड अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड बाय डाइसल्फाइड। सब कुछ तो बता दिया कि 51 अमीनो एसिड है, 2 चेन है ए और बी, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन जुड़ी हुई है। कौन सी प्रोटीन है? दैट इज इंसुलिन प्रोटीन हो जाएगी बेटा। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली बाय। एडीए डेफिशिएंसी को परमानेंटली कैसे क्योर कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। बताइए। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टेम्परेरी क्योर होता है बेटा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन टेम्परेरी क्योर होता है ना, परमानेंट क्योर नहीं है। फिर ये वाला जो ए ऑप्शन दिया गया, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये परमानेंट क्योर हो सकता है अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम सेल को इंट्रोड्यूस करें। सेलेक्ट डीएनए सिक्वेंस विच वुड एक्ट एज रिस्ट्रिक्शन साइट। बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट का काम कौन करेगा? जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो करेगा। तो देखिए इसको पढ़िए इधर से, है ना, इधर मान लीजिए 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा है ना, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो पढ़िए 5 से 3 की तरफ, ए ए सी सी जी जी, इधर सी सी जी जी टी टी, क्या पैलिंड्रोम मिला? नहीं मिला। यहाँ पे पढ़िए जी जी टी टी जी जी सी सी ए ए सी सी, पैलिंड्रोम मिला? नहीं मिला। यहाँ पढ़िए ए ए जी जी सी टी, यहाँ ए ए नहीं मिला ना, तो पैलिंड्रोम नहीं। यहाँ पर सी टी जी सी ए जी, यहाँ सी टी जी सी ए जी, क्या पैलिंड्रोम मिला? बिल्कुल। तो जहां पैलिंड्रोम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद करने, घटक भी आपको नहीं याद है अगर जी ए ए टी टी सी, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पैलिंड्रोमिक का सिक्वेंस पता है। तो पैलिंड्रोम में आप देखिएगा कि आप अगर दोनों स्ट्रैंड पर आप सेम पोलैरिटी में पढ़ेंगे, है ना, सेम पोलैरिटी मतलब दोनों स्ट्रैंड पर अगर 5 से 3 की तरफ आप पढ़ते हैं और आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, तो मतलब ये यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो वेक्टर के रूप में यूज होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज नेम्ड एज प्लाज्मिड, जो कि कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। Which of these is used as vector for gene therapy in SCID and gene cloning in higher organ? SCID किससे होता है? ADA deficiency की वजह से बीमारी होती है। Full form आप बता दो मुझे जल्दी से, SCID का full form क्या होता है? ADA deficiency की वजह से SCID बीमारी होती है, और अगर इस बीमारी में हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं और वेक्टर अगर हम यूज करना चाहते हैं तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? बहुत बार मैंने बताया और एनसीईआरटी में भी दिया गया, रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया कि रेट्रोवायरस अगर नहीं होगा तो किसका वायरस यूज कर सकते हैं, तो कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं जल्दी से बताइए। मैंने बेटा स्किड का फुल फॉर्म पूछा, तुम लोग एडीए का फुल फॉर्म बता रहे हो। मैंने स्किड, हाँ, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी, वेरी गुड। और अगर रेट्रोवायरस ना दिया गया हो तो आप क्या आंसर करोगे, कौन सा वायरस? एडिनो वायरस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एडिनो वायरस का यूज करोगे इसको केस में। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया को कल्चर करके पहला आर्टिफिशियल हार्मोन जो प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था बेटा? ये तो सभी जानते हैं ना, एक ही हार्मोन आप पढ़ते हैं वही आंसर आपको करना होता है, दैट इज इंसुलिन हार्मोन को ई कोलाई में सबसे पहली बार प्रोड्यूस कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड जिसे आप कहते हैं ना, यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किससे निकाला जाता है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से ऑप्टेन किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, एज डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डीएनए डिपेंड अपॉन, आप जानते हैं कि जो डीएनए उनका मूवमेंट अलग अलग होता है, तो डिफरेंशियल मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डीएनए की डिफरेंशियल मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? बहुत बढ़िया सवाल है, डिफरेंशियल मोबिलिटी इज डिपेंड अपॉन चार्ज एंड साइज ऑफ डीएनए। देखिए चार्ज ये डिसाइड करता है कि किधर जाना है, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ, साइज ये डिसाइड करता है कि कितनी दूर जाना है, अगर बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा तो कम दूर तक मूव करेगा, छोटे साइज का होगा तो ज्यादा दूर तक मूव करेगा। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया सवाल है, डिफरेंशियल मोबिलिटी। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप बाय ए फैक्टर, हरित क्रांति की वजह से फसल की पैदावार कितने गुना इंक्रीज हुई, फसल की पैदावार कितने गुना तक इंक्रीज हुई, एनसीईआरटी में डायरेक्ट पॉइंट आपको दिया गया है, हरित क्रांति की वजह से 3 गुना फसल की पैदावार बढ़ी, और हरित क्रांति का समय अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात, जल्दी से लिख के बताइए हरित क्रांति का समय क्या था। जीन कोडिंग बीटी प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर कॉटन बॉल वर्म, बॉल वर्म के लिए बेटा कौन सा क्राइजीन यूज किया गया था? 35। तो इसके लिए एक तो यूज किया गया था क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी, तो एक ऑप्शन आपको दिया गया, सी हो जाएगा यहां पर, क्राई वन ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज किया गया था। यही 3 जीन आपको दिए गए हैं ना, तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ना, एक ये मैंने लिख दिया और 2 तो लिखे हुए हैं, तो क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी ये बॉलवर्म के लिए होते हैं और क्राई वन ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, 1960s गलत लिख रहे हो, mid-1960s है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो एनसीईआरटी में दिया गया दैट इज mid-1960s आपको दिया गया, mid-1960s मतलब आप कह सकते हैं 1955 के आसपास हरित क्रांति आई हमारे देश में। इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड बाय, रूट ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बेटा देखिए रूट की बात कर रहा है ना, तो रूट टर्म के लिए राइजो के पास आप जाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस राइजोजेन जो होता है ये रूट ट्यूमर इंड्यूस करता है। नॉर्मली अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की हम बात करते हैं तो इससे एक बीमारी होती है, नाम बताइए आप कौन सी बीमारी कॉज करता है, दैट इज क्राउन गॉल डिजीज है ना, ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। क्लियर? और आपसे रूट ट्यूमर की बात अगर की जाती है तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिस। अच्छा बहुत सारे बच्चे राइजोबियम कर रहे हैं कि राइजोबियम रूट ट्यूमर कॉज करता है, बेटा नहीं, ये तो जो फैबेसी लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें नोड्यूल पाए जाते हैं, वो ट्यूमर नहीं होते बेटा, वो नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होती हैं, उन नोड्यूल में रहता, वो अलग चीज बेटा, यहाँ रूट ट्यूमर की बात हो रही, यहाँ राइजोबियम आंसर नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग, राइजोबियम में कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, नहीं बेटा ये गलत बात है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस आर कॉल्ड सो एस दे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्यों है ये आपको बताना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्यों है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, क्योंकि ये क्लीव करता है, कट करता है एंडोन्यूक्लिएजेस है ना, ये क्लीव करता है डीएनए को टुकड़ों में, इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज।
Which of the फॉलोइंग हैज नॉट बीन सिंथेसाइज्ड बाई डीएनए टेक्नोलॉजी, या आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किसे प्रोड्यूस नहीं किया गया है? इन चार में से किसे नहीं बनाया गया है? तीस रिकॉम्बिनेंट ड्रग बनाए गए हैं, 12 की इंडिया में मार्केटिंग की जा रही है ना, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस नहीं किया गया, ये आपको बताना है। इंसुलिन को तो बनाया ही गया, सोमेटोस्टेटिन को बनाया गया, इंटरफेरॉन को बनाया गया, लेकिन हीमोग्लोबिन को नहीं बनाया गया, तो सी ऑप्शन होगा बेटा, तुक्के लगा रहे हो तुम लोग है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन को नहीं बनाया गया। डिसऑर्डर इन विच बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर नॉट फॉर्म, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें बी लिम्फोसाइट भी ना बनती हो और टी लिम्फोसाइट भी ना बनती हो, उस बीमारी का नाम आपको बताना है। वैसे बेटा आप जानते हैं कि जो एड्स बीमारी होती है वहां पर टी लिम्फोसाइट नहीं बनती, यहां पर दोनों आपसे पूछा है, तो स्किड नाम की जो बीमारी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसमें बी और टी लिम्फोसाइट दोनों की डिफिशियंसी आ जाती है। व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए सही स्टेटमेंट आपको बताना है, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, क्या प्लाज्मिड वायरस में पाया जाता है? नहीं, बैक्टीरिया में होता है। कंटेन जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज के जीन यानी फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के जीन यहां पर नहीं पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम, न्यूक्लियर क्रोमोसोम का पार्ट नहीं, तभी तो कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एंड वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर, बिल्कुल ये जीन ट्रांसफर के रूप में काम करता है, इसीलिए प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, वेक्टर का नाम दिया जाता है, इसीलिए प्लाज्मिड को वेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, टी आई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टी आई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए, और पूछा गया इसे कहां से ऑब्टेन किया था, ये तो तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है ना, इसे ऑब्टेन किया जाता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बींग यूज इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का यूज किया था किसके प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए इसका यूज किया गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन यूज्ड, ये बताइए आप, ये बढ़िया सवाल है। ट्रांसजेनिक एनिमल के यूजेज आपको एनसीईआरटी में दिए गए बेटा, तो ट्रांसजेनिक एनिमल को किस काम के लिए यूज करते हैं, फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, बिल्कुल पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को माइस में यूज किया गया था है ना, ट्रांसजेनिक माइस में। फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, बिल्कुल। टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन को याद करिए है ना, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ना, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट। चलिए जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, एनटीए के मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें आप जरूर करते रहिए, एनटीए का मॉक टेस्ट जो मैं कराता हूं और ये लाइव सेशन, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक चीज आप छोड़ देंगे दूसरी चीज आप करेंगे तो बहुत सारी बातें आप मिस कर देंगे, दोनों चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें रिपीटेडली आपके पास बार बार आएंगी और वो चीजें अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है बेटा, तो आपसे पूछा गया जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन नंबर 44 में। चलिए बताइए जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, कई बार मैंने कराया भी है। पैकिंग ऑफ डोनर डीएनए इन ए कलेक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, एनसीईआरटी में नहीं है, याद कर लीजिएगा। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम वायरसेस, कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज, बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद, बैक्टीरिया वायरस से अपना बचाव करता है वायरस के डीएनए को कट करके, कैसे कट करता है, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पता चला। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन वर्ड यही बताता है कि ये एंजाइम बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकने का काम करता है। क्लियर बेटा, इन ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक्स जैसे अगर गोल्डन राइस की बात करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट है, द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन, दूसरे का जो जीन होता है,
इन द टारगेट टिश्यू इज नोन बाई, टारगेट टिश्यू में ट्रांसजीन का जो एक्सप्रेशन है इसका पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, इसका पता लगाने के लिए जो कुछ समय के लिए मैं बन गया था है ना, रिपोर्टर का यूज करते हैं। रिपोर्टर रिपोर्ट करता है इस बारे में कि ट्रांसजीन का, जैसे बीटी जीन एक ट्रांसजीन है, अगर कॉटन के हिसाब से आप देखें, कॉटन एक बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, उसके अंदर जो बीटी क्राई जीन है वो एक ट्रांसजीन हो गया, और इस जो टारगेट टिश्यू है, टारगेट टिश्यू क्या है, कॉटन, कॉटन टारगेट टिश्यू है, तो इसका पता रिपोर्टर के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? हाँ, बीच में जब नीट वाला चल रहा था गेम ना, तो उस समय के लिए तो हर न्यूज पे एकदम खबर रखनी होती थी ताकि तुम लोग भटको ना, है ना, तो उस समय तो कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टिंग का काम करने लगे। तो लेकिन ये टीचिंग अच्छा काम है वैसे, है ना, टीचिंग बहुत सुकून मिलता है जब आपको कोई बात समझाई जाती है, आपकी समझ में आ जाती है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। गोल्डन राइस इज ए वेराइटी रिच इन, अब यहाँ पर गोल्डन राइस आप जानते हैं तो कि विटामिन ए एनरिच होती है, लेकिन विटामिन ए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या ऑप्शन करोगे, बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन आयरन है ना, तो बीटा कैरोटीन और फेरेटिन ये आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे पैसा है टीचिंग में, और रिपोर्टिंग में तो पैसा है नहीं, एक एक रिपोर्टर जो है ना उसकी सैलरी एक एक महीने की, जो आप देखते हैं ना आज तक और जी न्यूज एबीपी न्यूज, एक एक एंकर जो होता है, जो रिपोर्टर आपको सामने दिखाई देता है ना, उसकी महीने महीने की सैलरी एक एक करोड़ होती है, पता है आपको, कुछ आइडिया है इस बारे में, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, पुण्य पुरसुन वाजपेयी, कितने सारे एंकर, पैसा हर चीज में, जो काम अच्छे से कर लो आप, है ना, पैसे, आप केवल पैसे पैसे के पीछे भागोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, अपना काम करो, पैसा आपके पीछे पीछे खुद ही भागेगा। हाँ, तुम लोग अब न्यूज़ चला दो यहीं पर। ये जो बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, उन्हीं से पैसा आता है ना। चलो, पढ़ाई की बातें कर ले बेटा। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रिफर टू, वेक्टर टर्म के बारे में पूछा गया, तो वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड दैट कैन ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इन ए इनटू ए लिविंग सेल, ठीक है, तो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना, प्लाज्मिड, कॉस्मिड भी हो सकता है, लेकिन कॉस्मिड के बारे में क्या लिखा, कॉस्मिड दैट कैन कट डीएनए, तो ये तो कट तो नहीं करता है ना, प्लाज्मिड दैट कैन ज्वाइन, तो ज्वाइन तो नहीं करता, लाइगेज ज्वाइन करता, कॉस्मिड दैट कैन डिग्रेड, ये भी गलत है ना, तो यहां पर ऑप्शन एक ही सही है। मुझे पता है कि तुम में से कई लोग ऐसे हो जो आज तक केवल एक ही वजह से देखते हो, है ना, मुझे पता है इस बारे में, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट हैविंग, ट्रांसजेनिक प्लांट किन्हें कहते हैं, जैसे गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। कैरी मिनाती के फैंस है ना, हाँ, तुम लोग न्यूज से तुम लोगों को नहीं मतलब रहता है। चलो, ट्रांसजेनिक प्लांट किस तरह के प्लांट हैं, अब तुम लोग का नेट गड़बड़ करने लगा है। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से बताओ बेटा। ट्रांसजेनिक उन्हें कहते हैं जिनमें जीन होता है अदर ऑर्गेनिज्म का, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म का अगर जीन है तो उसे ट्रांसजेनिक कहा जाएगा। अब बारिश की वजह से दिक्कत तो हुई, आज थोड़ा सही चल रहा है ना, 2-3 दिन से तो काफी दिक्कत हुई है, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी बहुत होता है जब ये सब दिक्कतें होती हैं। अब तुम लोग इसमें न्यूज मत फैलाओ बेटा, है ना, पढ़ाई की बातें करते हैं। बीटी इन पॉपुलर बीटी कॉटन और बीटी ब्रंजल स्टैंड फॉर,
बीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक हो जाएगा, बैसिलस टोमेटोन्सा बेस्ट टाइप या बैसिलस थोरिंजेंसिस। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी ये देखो सी आंसर करें, 50 में भी कोई सी किए दे रहा कि बीटी का मतलब बायोटेक है। इतने नालायक हो तुम लोग, इसमें भी सी, इसको भी गलत कर रहे हैं। कोई डी किए दे रहा बेस्ट टाइप ना, मार खाओगे ना तुम लोग। द एंजाइम, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, ठीक है। विच आर कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर करे जिन एंजाइम का कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन से बेटा? तो एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका यूज कटिंग के लिए करते हैं, और लाइगेज जिसका यूज ज्वाइनिंग के लिए करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बेटा, इंजीनियर वो होता है जो बदलाव करता है ना। अब जेनेटिक इंजीनियर मतलब जो जीन में बदलाव कर सकता है, तो कौन सा है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है ना, उसके द्वारा हम जीन ट्रांसफर करते हैं, बदलाव लाते हैं ट्रांसजेनिक के अंदर। तो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसीज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव जीन कोडिंग फॉर एंजाइम, ध्यान से करिएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज एक ऑप्शन है, और एक एडिनोसिन डाईएमिनेज है। क्या करोगे? दैट इज एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। इसमें भी कोई बी ऑप्शन किए दे रहा है, कोई डी किए दे रहा है बेटा, एडिनोसिन डी एमिनेज यहां पर हो जाएगा। क्लियर? एडिनोसिन डी एमिनेज। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, हायर स्टोरेज प्रोटीन। अब गोल्डन राइस तो होता है, उसमें तो ज्यादा मात्रा में विटामिन होती है। अब आपसे कहा है कि प्रोटीन कहाँ पर ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पर ज्यादा मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 53, 54 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए बताइए 54। तो अब इसको याद करना पड़ेगा, पोटैटो। बेटा पोटैटो में वैसे तो आप जानते हैं स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन ट्रांसजेनिक जो पोटैटो बनाएंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है। आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड, इन चार ऑप्शन में से आपको प्लाज्मिड पहचानना है। इको आर वन क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हिंडी थ्री क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। PBR322 क्या है? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर। ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड, ऑटोनॉमसली मतलब सेल्फ रेप्लीकेटिंग। तो कौन है बेटा? सेल्फ रेप्लीकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज प्लाज्मिड हो जाएगा। ए जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी क्योर थ्रू, कोई आनुवंशिक बीमारी है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? जीन थेरेपी के द्वारा उसे ट्रीट किया जा सकता है। विच इज नॉट ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑप्टेड थ्रू बायोटेक। ह्यूमन इंसुलिन को तो ऑप्टेन ही करते हैं, है ना, ह्यूमन इंसुलिन को तो ऑप्टेन ही करते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब बाकी आप पहचानिए, है ना, बाकी को आप पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए क्लॉटिंग फैक्टर भी बना लिए गए बेटा, है ना, बायोटेक के द्वारा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी बना लिया गया, कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसको बायोटेक के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर यूजफुल इन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस लिए हेल्पफुल होते हैं? सारे ऑप्शन पढ़ोगे तभी हो पाएगा। ब्रेकिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट सही है, और क्रिएटिंग स्टिकी एंड ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंडोन्यूक्लिएज इज यूज्ड इन, एंडोन्यूक्लिएज का यूज कहाँ पे करते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे जाते हैं बेटा। एग्जाम में कल भी मैंने आपको बताया था कि करीब 60 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो इजी टाइप के आते हैं, है ना, कोई बहुत टिपिकल सवाल नहीं आता है। तो एंडोन्यूक्लिएज का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टोमेटो, ये स्पेलिंग सही लिखी है बेटा, यही नाम है, ठीक, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये
वैरायटी है टोमेटो की, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, और इसकी क्या खास बात है बेटा जानते हैं? अच्छा तो मैंने बता ही दिया, दिस दैट इज ट्रांसजेनिक। ये फ्लेवर सेवर वैरायटी जो टोमेटो की है बेटा, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है, और इसका क्वेश्चन भी आगे मिलेगा आपको फिर से, है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ये नीट 2019 में भी सवाल आया था बेटा, ये नीट 2019 में भी सवाल आपसे पूछा गया था। तो ह्यूमन प्रोटीन बैक्टीरिया में हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे हमने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कराया, क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, वैसे कहना चाहिए कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पहले भी आया है और नीट 2019 में भी पूछा गया है। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लिएजेस आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक, डीएनए के फ्रेगमेंट को किस तरीके से सेपरेट करते हैं? तो इसके लिए टेक्निक है एज, मतलब एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इनका सेपरेशन किया जाता है। प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर, प्लाज्मिड क्यों सुटेबल वेक्टर माने जाते हैं बेटा, उसका रीजन आपको बताना है। प्लाज्मिड आर द सुटेबल वेक्टर, क्यों सुटेबल वेक्टर है बेटा? क्योंकि ये, हाँ जल्दी से बताइए, बिकॉज दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद देयर ओन ओराई ओरिजिन रेप्लीकेशन साइट, इनके पास अपना खुद का ओराई होता है, इसीलिए प्लाज्मिड यूजफुल होते हैं। इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायोमेटीरियल विदाउट पेमेंट टू इनहेबिटेंट ऑफ देयर ओरिजिन इज कॉल्ड इलीगल, गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे के मटेरियल का यूज करना और बिना उसको पेमेंट दिए हुए, दैट इज नेम्ड एज, क्या कहते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 65, तो बहुत फेमस है ना, इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आपके नीट में पूछे भी जा रहे हैं। बताइए, दैट इज नेम्ड एज बायो पायरेसी, बायो पेटेंट नहीं कहते हैं बेटा, बायो पायरेसी। प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन बहुत फेमस है, इज टू ट्रीट, ये सब बेटा देखिए जो यूनिट में कराता हूं उसके पहले उस यूनिट को आप रिवाइज भी कर सकते हो बेटा, है ना, मैंने आपको कंसाइज करके आपको दे दिया, 2.5 घंटे में पूरी बायोटेक यूनिट आप रिवाइज कर सकते हो, अलग से भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी क्रैश कोर्स के अलावा। तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का यूज किसके लिए? एम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट के लिए किया था। एम्फाइसिमा का कारण क्या जानते हो आप? एम्फाइसिमा का कारण पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज डोनर डीएनए फ्रेगमेंट इज ज्वाइन इट इज कॉल्ड, बेटा डीएनए को कट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कटिंग ज्वाइनिंग, इसे क्या कहते हैं आप बताओ? अक्षित कुमार मिश्रा, बेटा प्रीमियम आपको परचेस करना है तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, वहां पर आप, है ना, उस वीडियो में आप देख लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, है ना, कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर है 9554385913, ठीक है, इस कांटेक्ट नंबर पे रवि जी से आप बात कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी सॉल्व हो जाएगी। इस प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग होता है बेटा, कट करके और जोड़ने का जो काम होता है दैट इज नेम्ड एज स्प्लाइसिंग, इसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई नहीं बेटा, एम्फाइसिमा, सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट कॉमन कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो इतना एडवांस टेक्निक बन गई है किसकी वजह से, किसकी डिस्कवरी की वजह से? तो बेटा ये पॉसिबल हो पाया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की वजह से। बीटी कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय, बीटी कॉटन को कैसे प्रोड्यूस कराया गया बताइए जरा, बीटी कॉटन को किस तरीके से प्रोड्यूस कराया गया? 69, बताइए,
हाँ, दैट इज क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन बेटा। बीटी जीन की जो क्लोनिंग है ये की गई है ना, और उसके बाद उसे कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का, याद कर लीजिएगा जिन बच्चों को नहीं पता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज, ये एनटीए के मॉक टेस्ट में भी था क्वेश्चन बेटा, है ना, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अच्छा क्यों नहीं माना जाता है, जीएम फूड क्यों अच्छा नहीं माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि यहाँ पर एक खतरा है। देयर इज अ डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस इन फूड, क्योंकि देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के, जैसे रेट्रोवायरस का हम यूज करते हैं, है ना, या फिर अब रेट्रोवायरस एक वायरस है ना, और रेट्रोवायरस की वजह से बीमारी हो सकती है या टॉक्सिन एंटर कर सकते हैं ना, इसीलिए इसका यूज डिजायरेबल नहीं माना जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड फॉर कटिंग, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इसमें देखिए आप क्या करोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज, डोडू रो नहीं रहा बेटा, बिट्टू रो रही है, रू ही रो रही है। क्या करोगे आंसर इसमें, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, एनी डीएनए फ्रेगमेंट आंसर होगा। वैसे कहना चाहिए था एनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी आप जोड़ लीजिए, एनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट। मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, अगर डीएनए को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। GMO टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो टेक्नोलॉजी है बेटा वो कह रहे यूजफुल है, क्यों यूजफुल है ये आपसे पूछा गया है। GMO टेक्नोलॉजी क्यों यूजफुल है बेटा, मेकिंग क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है एबायोटिक स्ट्रेस। हेल्पिंग टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बिल्कुल सही। इनहेंसमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, All of the above. Protein product of BT gene Cry1AC and Cry2AB control. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था Cry1AC, Cry2AB किसे control करता है, ये बॉल वर्म को control करता है, बॉल वर्म को। The technique of insertion of a desired gene into DNA of plasmid vector is, insertion हम करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, हम डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इंसर्ट करने के लिए अगर हमारे पास ये प्लाज्मिड है और इसके अंदर हमें एक जीन को इंट्रोड्यूस करना, तो हमें प्लाज्मिड को यहाँ से काटना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। और काटने और जोड़ने को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में काटने और जोड़ने का काम करते, क्लोनिंग क्यों कह रहे हो बेटा, देखो ज्यादातर बच्चे इसमें क्लोनिंग कर रहे हैं 75 में बेटा, काटने और कुछ लोग ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं, जो कभी नहीं सुना, ड्राफ्टिंग ड्रेसिंग भी कर दे रहे हैं बेटा, दैट इज स्प्लाइसिंग, काटना और जोड़ना, याद कर लो, काटना और जोड़ना स्प्लाइसिंग होगा, नालायक बच्चे। अबे दीक्षांत तलवारे क्या कह रहे हो, प्लीज लाइव वीडियो कॉल, अबे लाइव ही तो है इस समय वीडियो कॉल, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या। अब प्लाज्मिड, यहां पर प्लाज्मिड के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्लाज्मिड क्या है, लिव टुगेदर विद क्रोमोसोम, सो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करता ना, कैन रेप्लीकेट इनडिपेंडेंटली, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 76, है ना, 77। बेटा सिंपी क्रैश कोर्स वाली वीडियो बेटा आएगी थोड़ा सा अभी, है ना, बाकी चीज चल रही इसलिए थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है ना। बेटा प्रीमियम का, प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम में कोई लाइव सेशन इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी तो उसको आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है।
बेटा संदीप, अगर नीट बूस्टर पे आप लेते हैं तो उसकी स्ट्रीमिंग neetbooster.com पे होगी, वहीं पे आप देख सकते हो, ठीक है? उसको यूट्यूब पे आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे तो यूट्यूब पे देख पाएंगे, और अगर नीट बूस्टर पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पर देख पाएंगे। जायंट माउस, बहुत बड़ा चूहा बनाया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। किस टेक्निक के द्वारा? टिश्यू कल्चर, जीन डिफ्रेंसिएशन, जीन मैनिपुलेशन, और एक ऑप्शन ऑल भी दिया गया है ना? दैट इज जीन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? बदलाव, है ना? तो जीन में जब बदलाव करेंगे तो उसी के द्वारा, जीन में बदलाव होगा मतलब जीनोटाइप चेंज होगा, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज होगा, और फिनोटाइप चेंज होगा तो जो चूहा छोटा सा था वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। बेटा YouTube पे भी प्रीमियम लाइव नहीं होगा बेटा लाइव में, क्योंकि लाइव इतने सेशन चल रहे हैं कि लाइव को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन है ना। तो हो सकता है कि आगे अनुराग सर आप जो ऑर्गेनिक कराते थे वो लाइव कराएं, लेकिन फिलहाल तो रिकॉर्डेड ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन लेकिन यहाँ पर गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो एंटामीबा कोलाई भी लगा सकते हैं, जबकि सही आंसर क्या है? इस चर्चा को, और कई ने लगा दिया है ना, कई की भैंस पानी में चली गई। एंजाइम नेसेसरी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन से एंजाइम जरूरी है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काटने के लिए, और लाइगेज जोड़ने के लिए जरूरी, क्योंकि काटना और जोड़ना तो पड़ेगा ही यहाँ पर, है ना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड बी, रीड ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई करेक्ट चॉइस। पहला है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कॉजेस क्राउन गॉल इन डाइकॉट, सही है, बिल्कुल। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एंटर होस्ट थ्रू उंड एंड इंजरीज, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 81, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये ट्रांसजेनिक वेराइटी है ना टोमेटो की, ट्रांसजेनिक है बेटा, और अब आपसे पूछा क्या इसमें चीज इंक्रीज हो जाती है? इस ट्रांसजेनिक को बनाया गया, हमने बीटी कॉटन को बनाया, तो उसमें क्या चीज हमें मिला? इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट। हमने गोल्डन राइस को बनाया तो उसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा हो गई। अब फ्लेवर सेवर टोमेटो की खास बात क्या है? दैट इज इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ का मतलब है कि जल्दी ये टमाटर खराब नहीं होंगे, है ना, और लंबे समय तक मार्केट में इनको बेचा जा सकता है। विच ट्रांसजेनिक एनिमल हैज बीन गिवन ह्यूमन जीन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन? आजकल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल से लिए जा रहे हैं, तो कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसका यूज किया जा रहा है बेटा? किस ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं? दैट इज ट्रांसजेनिक पिग का यूज किया जाता है, यानी सुअर के अंदर, पिग के अंदर ह्यूमन का जीन डाल दिया जाता है, और फिर पिग से ऑर्गन लेके और ह्यूमन में लगा दिया जाता है। पीआईजी साहब हैं, जैसे डीआईजी साहब होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पीआईजी साहब। आप किसी को बोल दोगे जान भी नहीं पाएगा, उससे कहो कि और पीआईजी साहब क्या हाल चाल है, तो कुछ देर तो सोचेगा कि पीआईजी साहब क्यों कह रहा है, फिर जब वो थोड़ा सा अंदाजा लगा पीआईजी, उसके बाद आपकी बहुत धुलाई करेगा वो, है ना? तो कभी किसी के मजे लेने हो, है ना, तो आप कह सकते हो और पीआईजी साहब क्या हाल चाल है ना? शोले मूवी तो सभी ने देखी होगी ना, सुअर के बच्चों। चलो, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेंट, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में क्या होता है? आरएनए होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 83, पीआईजी साहब क्या हाल चाल है? प्रीमियम बेटा अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होगा, है ना? शेड्यूल के बारे में बेटा दिव्यो में बता दूंगा कैसे शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है? तो प्लाज्मिड बेटा डीएनए होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक गुड वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहा है कि गुड वेक्टर कौन है? तो बेटा आप जानते हैं कि टीआई प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में काम करता है, और टीआई प्लाज्मिड किससे ऑप्टेन किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से ऑप्टेन किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक प्लांट, फिर आ गया, अभी अभी मैंने बताया 3 बार, तो ट्रांसजेनिक प्लांट इनमें से कौन है जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट है? ये तो बैक्टीरिया है बेटा, ये तो बैक्टीरिया है। मिलोडिगा इनकॉग्निशा है तो निमेटोड है ना, निमेटोड है। ये एस्बिया गॉसिपी, ये फंजाई है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो, यही तो ट्रांसजेनिक प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों। बायोपायरेसी, जब अच्छा जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसमें बच्चे वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो एकदम अलग दिखाई देता हो, जैसे इसमें एकदम अलग ग्लूकोनो बैक्टर दिखाई दे रहा है जो कभी नहीं देखा, या एस्बिया दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन, तो उसको सेलेक्ट करते हैं बेटा। अभी कई बार मैंने बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 86, बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी, व्हाट इज बायोपायरेसी? ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस, बायो रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करना, यूज करना, पेटेंटिंग बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर, हाँ दूसरे के बायो रिसोर्स का पेटेंट करा दिया जाए, पायरेसी, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, ये भी बायोपायरेसी है ना। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोहेन एंड बोयर आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द ईयर। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन और बोयर ने बनाया था, ईयर आपको बस बताना है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन और बोयर ने किस ईयर में बनाया था, ये बस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज 1972 में कोहेन और बोयर के द्वारा बनाया गया था। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिजायर्ड डीएनए यूजिंग पीसीआर मे गो अप टू, अगर 30 साइकिल चला दी जाए तो 30 साइकिल चलाने की वजह से 1 बिलियन टाइम, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ गुना, 1 बिलियन मतलब 1 अरब होता है, 100 करोड़ गुना मतलब एक डीएनए है, और अगर पीसीआर में इसकी 30 साइकिल चला दी जाए तो इस एक डीएनए की 100 करोड़ कॉपीज बन जाएंगी। 89, जीएम बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर, जैसे बीटी कॉटन बनाया गया वैसे बीटी ब्रिंजल बनाया गया, और बीटी है इसमें तो आप समझ सकते हो ना बेटा, अगर बीटी है तो बैसिलस थुरंजेंसिस क्राइजीन होगा इसके पास, तो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। गोल्डन कलर ऑफ राइस इज ड्यू टू अकरेंस ऑफ, गोल्डन राइस का कलर गोल्डन होता है बेटा, तो गोल्डन कलर किसकी वजह से होता है? सुनहरा कलर होता है। तो ये जानते हैं आपकी विटामिन ए एनरिच्ड होता है और इसकी वजह से इसका कलर गोल्डन होता है। क्लोनिंग इज मीन्स ऑफ, क्लोनिंग इज मीन्स ऑफ, क्लोनिंग में क्या होता है? देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कहते हैं कि क्लोन बन गया, तो क्लोन बनने का मतलब क्या है कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो अगर हम जीनोटाइप को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्लोनिंग करा सकते हैं, ठीक है। 91, 92, टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन से दो बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूजफुल हैं? एक तो हो गया इशर्चिया कोलाई, होस्ट के रूप में यूज करते हैं, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं इसके टीआई प्लाज्मिड का, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बीटी कॉटन जीन रिपेल, बीटी कॉटन जीन क्राई जीन किससे रिपेल करता है? बैक्टीरियल पैथोजन को, फंगल पैथोजन को, निमेटोड पैरासाइट को, या इंसेक्ट पेस्ट को? बेटा बीटी कॉटन जीन रिपेल करता है इंसेक्ट पेस्ट को। सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक हैज बीन डेवलप्ड फॉर, सॉल्ट टॉलरेंट मतलब सॉल्ट से रेजिस्टेंट है ट्रांसजेनिक, किसके लिए बनाए गए सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक, किसके लिए बनाए गए बेटा जल्दी से आंसर करिए। सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किए गए टोमेटो के लिए, नया पॉइंट आपके लिए हो सकता है इसलिए इसको आप याद कर लोगे। प्लाज्मिड्स आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है ना, प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ओराई होता है और ओराई की वजह से सेल्फ रेप्लीकेट इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद को रेप्लीकेट कर सकता है। 96, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट मेक स्टेजर्ड कट लीविंग स्टिकी एंड आर, स्टिकी एंड कौन बनाता है? इको आर वन बनाता है, हिंडी थ्री बनाता है, बाम एच वन बनाता है, सभी बनाते हैं, लेकिन
ECO R5 याद करना, ECO R5 स्टिकी एंड नहीं बनाता, ये ब्लंट एंड बनाता है, नीट 2016 में पूछा गया था, तो इसको भी साथ साथ आप याद कर लोगे, ठीक है। ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, विच इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड सुगर बाई अमेरिका। जेनेटिकली मॉडिफाइड सुगर क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज ब्रेजीन प्रोटीन। ब्रेजीन प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अफ्रीकन प्लांट इज यूज इन मेज, मतलब अफ्रीकन प्लांट से ब्रेजीन प्रोटीन जिससे जीन से मिलती थी उसे निकाला गया और मेज में इंट्रोड्यूस करके एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुगर अमेरिका के द्वारा बनाई गई। बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग, करें बीटी टॉक्सिन हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है, अगर हम बीटी टॉक्सिन को खा लें तो ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हाईली अल्कलाइन मीडियम चाहिए और हम लोगों में उतना हाईली अल्कलाइन मीडियम मतलब आप समझिए कि 9 से ज्यादा पीएच चाहिए, है ना, और हम लोगों में आप देखिए हमारे इंटेस्टाइन में पीएच 7.8 होता है, तो इतने पीएच पर ये टॉक्सिन एक्टिव ही नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी इनटू बीटी स्टेट टेक प्लेस ओनली इन हाईली अल्कलाइन मीडियम और ये अल्कलाइन मीडियम इंसेक्ट के मिडगट एपिथीलियम में मिलता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज यूज्ड फॉर कटिंग। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज किसको कट करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 99। इज यूज्ड फॉर कटिंग, किसको कट करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर टीडीएनए, टीडीएनए का वेक्टर कौन है बेटा, 5 बार आज सवाल मैंने कहा इतना खास है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। तो ये बेटा आज के 100 क्वेश्चन हो गए बायोटेक के, कल प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हम करेंगे, प्लांट तो हो चुका है ना, दैट इज ह्यूमन, है ना, कल हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बेटा करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हाँ, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो की बेटा अगर हम बात करते हैं तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो उसे कहते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है दैट इज कॉल्ड एपोमिक्टिक। तो थैंक यू प्यारे बच्चों इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इतना प्यार बनाए रखने के लिए, और रात में 10 बजे एनटीए का एक मॉक टेस्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे और प्रीमियम वाला जो कोर्स है वो अभी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और कोई अगर क्वेरी हो जल्दी से आप पूछ सकते हैं। नीलम बेटा नीट बूस्टर पे बफर नहीं करेगा, ठीक है, बफर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। हाँ सभी चैप्टर होंगे बेटा, ह्यूमन फिजियो के सभी चैप्टर होंगे, कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ बेटा पीएस राजपूत क्रैश कोर्स बेटा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। दिनेश पाठक बेटा हाँ ये सेशन डेली यूट्यूब पे चलता है और पिछले 3.5 महीने से चल रहा है, मतलब करीब 100 दिन से ये सेशन चल रहा है बेटा, आप हो सकता है नए हो, है ना। एपोक्राइन ग्लैंड बेटा उन्हें कहते हैं जब उनसे सिक्रीशन होता है तो उनका जो एपिकल पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। अंकित बेटा न्यूरोलॉजी वाला जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल वाला वो क्रैश कोर्स अपलोड है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, उसमें आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसको पढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा वर्धिका करिए आज के क्वेश्चन अच्छे थे जैसे नीट में पूछा जाता है, ओके थैंक यू बेटा। बेटा एमन अगर नीट बूस्टर पे रजिस्टर करेंगे तो नीट बूस्टर पे मिलेगा, यूट्यूब पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत सीधी सी बात है, है ना, जहां पे आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको मिलेगा, ओके बेटा। तो
अच्छा बिलाल कह रहे कि बहुत बढ़िया था आज के क्वेश्चन। बेटा हर दिन क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, बस थोड़ा सा नेट की दिक्कत होती है ना, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। डेटा किस पर कम यूज होगा? स्मूथ चलेगा, वहां भी स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटा भाई कौन है? मैं ठीक हूं बेटा, तुम लोग कैसे हो बस ये बताओ। कल मैंने कुछ मोटिवेशन तुम लोग को दिया था, उसका कुछ फायदा हुआ तुम लोगों को, या फिर 2 घंटे मैंने ऐसे ही तुम लोगों को दिए, ये बताओ। अच्छा प्रिया करें सर, फायदा नहीं बहुत फायदा हुआ। अच्छा गौरव मोटा भाई है, अरे तुम लोग क्या करते हो। हाँ? रोहित करें सर, दिन भर में कितना पानी पीते हैं? दिन भर में आप मान के चलो कि 3 से 4 लीटर। प्रताप बेटा, अमृता मैम की जो क्लास है वो 3 बजे से होगी, है ना? अच्छा तुम लोग इकोलॉजी वाला। बेटा देखिए, फादर ऑफ इकोलॉजी के लिए कई आंसर हैं असल में, है ना? तो कई आंसर हैं इसमें, तो इसमें कोई कंफर्म नहीं। कहीं पर ओल्डम दिया गया, कहीं थियोफ्रेस्टस दिया गया है ना, कहीं पर हम्बोल्ट दिया गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा फिर बता दूंगा, ठीक है? सजन कह रहे कि आपसे पढ़ने के बाद बायोटेक बहुत इजी हो गई मेरे लिए। थैंक यू सर, वेलकम बच्चे, वेलकम। नीलम बेटा, मैंने बताया तो फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में, देखो कोई ये रीटर लिख रहा है, हिमशिखा रीटर लिख रही है, कहीं पे ओडम दिया है, कहीं पर थियोफ्रेस्टस है ना? हाँ ये देखो अर्नेस्ट मेयर भी आ गए बीच में। नमन कह रहे हैं कि सर नीट बूस्टर पर कम्युनिटी वाले 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बेटा, कम्युनिटी वाले क्वेश्चन नीट बूस्टर पे, या एक ऐसा हम करेंगे, कुछ और मैं प्लान कर लेता हूँ, बता दूंगा आपको, है ना? मुस्ताक करें, नीट में चारों ऑप्शन यही सब होगा, तब नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लिख लो। अच्छा दीपांशी करें सर, प्रीमियम वीडियो सिर्फ बायो का मिला। बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लो बेटा, सारा मिल जाएगा। मैंने कहा तो ऐसे तो मैंने नहीं कह दिया, सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक? परेशान मत हो। तो बेटा हम लोग 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? एक मॉक टेस्ट के साथ में, और बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, हाँ जो डीपीपी और वर्कबुक है बेटा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है बेटा? तो बाय बाय बच्चों, लव यू, टेक केयर बच्चों, पढ़ाई करते रहिए और अपने